अरुणाचल प्रदेश, ऊंचे-ऊंचे पर्वतों का प्रदेश, जहां बहती हैं बहुत सी छोटी छोटी नदियां और पर्वतों से गिरते न जाने कितने झरने। ये सब प्राकृतिक दृश्य इस प्रदेश को एक अनोखी सुंदरता प्रदान करते हैं। सर्दी के मौसम में मानो लगता है इन पर्वतों ने ठंड से बचने के लिए बर्फ की ही मोटी चादर ओढ़ ली हो। बदलते मौसम के साथ जब ये बर्फ पिघलती है तो नदियों की प्यास बुझाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ की घाटियां निर्जल हो जाती हैं और बर्फ के मौसम में बेजान दिखाई देती हैं। फिर भी इन घाटियों में ही पानी में रहने वाले अनगिनत जीव अपना जीवन बिताते हैं और इन्हीं नदियों में मिलती है सबसे पसंदीदा और महंगी मछली, ट्राउट मछली। ये स्थान अरुणाचल प्रदेश के त्वांग जिले के सेला दर्रे के पास है। जैसा हम जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जहां बर्फ से ढकी दूर दूर तक फैली विशाल पर्वतमालाएं हैं, तो वहीं घने जंगल, दिन रात बहती जलधाराएं, गहरी घाटियां, अनगिनत वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक समृद्ध विविधता लिए हुए हैं। ये है सेला झील, जो वर्तमान में पूरी तरह जम चुकी है। इसकी ऊपरी परत इतनी कठोर हो चुकी है कि इस पर आसानी से चला जा सकता है, लेकिन गर्मियों में ये झील नीली दिखाई देती है क्योंकि बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। ये झील लगभग 14 एकड़ में फैली हुई है और समुद्र तल से 4146 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हेचरी इन्हीं ऊंचे पर्वतों के बीच में स्थित है, लेकिन सेला दर्रे से थोड़ा निचले स्तर पर है। यहाँ कृत्रिम रूप से निर्मित कुछ तालाब भी हैं, जहाँ ट्राउट मछली की किस्में मौजूद हैं, जिन्हें ब्राउन ट्राउट और रेनबो ट्राउट कहा जाता है। ब्राउन ट्राउट अक्टूबर महीने से अंडा निकलते हैं, फिर 2 महीने 10 दिन में अंडा बच्चा होते हैं। इसके बाद दूसरा हवा हाउस में रखते हैं और उधर दूध खिलाते हैं और लैक्टोजन दूध 2-3 महीने तक। इसके बाद नर्सरी में डाल देते हैं, इसके बाद कहीं ऊपर झील में डाल देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ में झील बहुत है, वहाँ लेके डाल देते हैं। लेकिन रेनबो ट्राउट तो फरवरी में अंडा निकलते हैं, अंडा पक बच्चे पकड़ के लेके फिर हम लोग खुद पेट में दबा के अंडा निकलते हैं। मेल फीमेल, एक फीमेल को 2 मेल चाहिए, मेल का भी नहीं दबाने से बच्चा नहीं होगा। फीमेल 2 दबाएगा, मेल 1 दबाएगा, फिर वो मुर्गे का पंख से अच्छा से मिला के रखते हैं, फिर उधर हैचिंग बॉक्स में रखते हैं। 60-70 दिन में बच्चा होते हैं। फिंगरलिंग ऐसे इतना धोने के बाद तो एक पीस को 5 रुपये ऐसे, उससे छोटा होगा तो 3 रुपये ऐसे करके बेचते हैं। बड़ा होने से कोई कोई केजी पास हो जाए, 1 केजी 100 ग्राम इतना होते हैं, ज़्यादातर तो 800-900 ग्राम से ज़्यादा नहीं होते। इतना डिमांड बहुत है, ये ट्राउट बोल के पूरा आदमी यही मछली ढूंढते हैं। ये ठंडा जगह में होते, गर्म में नहीं होते ना, इसलिए ठंडा में होते बर्फ का मछली बोल के इसका बहुत फेमस है। टेस्ट अच्छे है बोलते हैं, टेस्ट अच्छे है, बीमार के लिए भी ये ठीक होते है बोल के कोई कोई किसी ने ऐसे बोलते हैं, बीमार आदमी को यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन ये पालने में बहुत मुश्किल, और ये लिया है जम्मू कश्मीर से, पहले 1968 से शुरू किया ये। ट्राउट मछलियाँ प्रोटीन की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं और इसीलिए सारी दुनिया में इस मछली को पसंद करने वाले सबसे अधिक हैं। ट्राउट की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर ठंडे पानी की मछलियाँ हैं। ये प्राकृतिक रूप से पूरे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाई जाती हैं।
नूरा नंग से हमने शेर गांव की यात्रा की। यहां शेर गांव में ट्राउट की एक हैचरी है। शेर गांव पश्चिमी कमेंग जिले में स्थित है। इस प्रजनन केंद्र को बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। भोजन के रूप में लेने पर इस मछली से पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन इस मछली को पकड़ना कोई आसान काम नहीं। जब इन्हें पकड़ा जाता है तो ये आपको खूब छकाती हैं, और इसीलिए इसकी मांग मनोरंजन के लिए भी की जाती है। ये फार्म एस्टेब्लिश हुआ था 1978-79 को, तो इस पे ये है कि हमारा दो एक्जोटिक फिशेस जिसे रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट से जाना जाता है, तो इन दोनों को हम जो कल्चर करके इसका जो मेन एम है ये फार्म का कि सीड प्रोडक्शन के लिए, तो इन दो फिशेस का हम ब्रीडिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर में हमारा ब्राउन ट्राउट का किया जाता है और फिर जनवरी को हमारा रेनबो ट्राउट का किया जाता है। इसका मार्केट वैल्यू है एट द रेट ऑफ 1200 to 1500 तक भी मार्केट में सेल आउट होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट रेट ऑलमोस्ट 750 ही है अप्रोक्सीमेटली। तो इस पे हमारा जो सीड प्रोडक्शन नियर अबाउट 15,000 to 20,000 ईयरली प्रोड्यूस करता है, तो उससे बेनिफिशियरी को हम सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, तो उसी से उनका एक मतलब इनकम भी उसे जनरेट करने का एक जरिया मिलता है। शेर गांव की इस रेनबो ट्राउट हैचरी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च के महानिदेशक की सहायता से स्थापित किया गया है। हम हैचरी के अंदर गए और देखा कि इसके अंडों से किस तरह प्रजनन कराया जाता है। यहाँ दोनों प्रकार की मछलियों रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट के अंडे अलग अलग रखे जाते हैं। यहाँ फिंगरलिंग्स को तैयार भोजन दिया जाता है, क्योंकि इन्हें पोषक तत्वों से भरपूर भोजन खिलाना महत्वपूर्ण है। अंडे से लेकर फिंगरलिंग्स बनने तक इन्हें एक नियंत्रित पर्यावरण में रखा जाता है। उसके बाद इन्हें तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में मछली उत्पादन में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। अभी भी मछलियों की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है, इसलिए सरकार मछलियों के इस समूह को अरुणाचल प्रदेश में बहुत बढ़ावा दे रही है।